और मैं निकल चुका हूँ रशिया का गांव एक्सप्लोर करने के लिए। हाँ, ये वाली बेंज हो गई है तैयार भाई, पार्ट टैप कर रही है मेरे लिए। को मारो वो, ओह शिट। और वाइबॉक्स से आगे थोड़ा जाएंगे 20-25 किलोमीटर तो फिनलैंड बॉर्डर लग जाती है। क्या नज़ारा है, क्या खूबसूरत है। और एटलांटिक महासागर कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, आराम से स्विम करते हुए चला जाऊंगा मैं तो, अमेरिका या कनाडा भी पहुंच सकता हूं। ग्रीनरी यार, इतनी ग्रीनरी कैसी है ना, कमाल है सही में। बादल छा चुके हैं, बारिश का माहौल बन चुका है भाई, और मैं निकल चुका हूँ रशिया का गांव एक्सप्लोर करने के लिए। यंडेक्स भैया बताइए फिनलैंड की रेलवे स्टेशन कैसे जाना है। ओके, यंडेक्स भैया 2-3 ऑप्शन बता रहे हैं, मेट्रो वाला भी बता रहे हैं, टैक्सी वाला भी बता रहे हैं। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मेट्रो नहीं चाहिए, आज अपने को बस से जाना है। ओके, तो यहाँ से मुझे चलते हुए 800 मीटर जाना है नेविस की एवेन्यू बस स्टॉप पे, और वहाँ से बस कौन सी जाएगी यार, 49 नंबर की बस। ये देखो सामने एक बस स्टॉप दिख रहा है क्या आपको, ये आ गई 49। चलो चलता हूँ बस में, मेरे पास कार्ड तो नहीं है भाई टिकट लेने के लिए। अब टिकट कैसा होगा? नो कैश, कैश नो। कैन यू टेक अ टिकट फॉर मी, आई विल पे यू कैश। अरे बहन जी कह रही है कुछ टिकट मत निकालो, ऐसे ही बैठ जाओ, देख लेंगे यार। हाँ, ये वाली बहन जी हो गई है तैयार भाई, कार्ड टैप कर रही है मेरे लिए। थैंक यू। हाउ मच? नो नो, प्लीज 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 प्लीज। अरे स्पासिबा, थैंक यू। इन्होंने खुद का कार्ड तो टैप करके मेरे लिए अब पैसे नहीं ले रही है, हे भगवान। अब अरे यार प्लीज सिस्टर प्लीज, नहीं बोल रही है यार। आ गया स्टॉप आ गया, चली गई बहन जी। थैंक यू कहने का फिर से एक बार मौका भी नहीं दिया, जल्दी पहुंच गया मैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में पहुंच गया। ये सामने दिख रहा है मुझे, रेलवे दिख रही है, मतलब वही है स्टेशन। देखो भाई, कभी कभी अनएक्सपेक्टेडली ऐसे बढ़िया एक्सपीरियंस आ जाते हैं। बंदे ने खुद का कार्ड टैप कर दिया, पैसे भी नहीं लिए, 2-3 बार बोला मैंने उसको लेकिन नहीं बोल रही थी। तो अब कितने पैसे लगे ये भी नहीं मुझे समझ में आया ना। अब ट्रैफिक भी नहीं था ज़्यादा तो मैं जल्दी पहुँच गया 15 मिनट में, और 4 ही स्टॉप थे बीच में, तो कितने होंगे 25-30 रुपये होंगे, इससे तो ज़्यादा नहीं होंगे। इधर भीड़ जा रही है, मतलब यहाँ कोई मेट्रो स्टेशन भी तो है। मिल गया भाई, मिल गया फिनलैंड की मेट्रो स्टेशन, सॉरी रेलवे स्टेशन। यह है फिनलैंड की वोक्जाल, यहाँ से कोमारो वोकल ऑलरेडी सर्च करके रखा है, आज की तारीख डाल दी। अभी टाइम हुआ है 10:38, ओ माय गॉड 10:48 की ट्रेन है, उसके बाद में डायरेक्टली 1:55 की है, भगवान भागना पड़ेगा मुझे। कोमारो वो 1 टिकट, वो रही मेरी ट्रेन, ये वाली है। कोमारो वो, ओह शिट, इज इट गोइंग टू कोमारो वो? या थैंक यू। भाई दरवाज़ा बंद हो गया था, सामने जो बंदी है ना उसकी वजह से खुल गया, मैं तो रह गया था मैं। इज देयर एनी पर्टिकुलर सीट नंबर और आई कैन सीट एनीवेयर? एनीवेयर, ओके थैंक यू। कैन आई? मिल गई भाई, विंडो सीट भी मिल गई।
लो भाई पहुंच गया मैं कमारोवा। पीटर्सबर्ग से मैं लगभग 50 किलोमीटर बाहर आ चुका हूँ। 11:40 हो चुके हैं। 10:50 को निकली थी ये ट्रेन, 50 मिनट लग गए। हालांकि 80-90 तक स्पीड गया था, ट्रेन में स्पीड का भी डिस्प्ले था, और बस ट्रेन तो वाकई में चकाचक थी, सवाल ही नहीं आता। यहाँ से आगे और एक स्टेशन है, क्या उसका नाम भूल गया मैं, ज़ेलानोगोक्स ऐसा कुछ, वहाँ तक जाती है, वहाँ से वापस जाएगी पीटर्सबर्ग, यानी लोकल ट्रेन टाइप है समझो। इसका टिकट लगा मुझे 117 रूबल, और ये थोड़ी पॉश वाली थी, एकदम लोकल वाली जो है ना वो थोड़ा कम दिखा रहा था रशियन रेलवे के ऐप पे, 102-3 रूबल या 94 रूबल ऐसे ऑप्शन दिखा रहा था अलग अलग। चलिए इधर जाता हूँ मैं, क्योंकि आपको एक ख़ास जगह दिखाने की है मुझे। ये देखो भाई, रेलवे ट्रैक क्रॉस करने के लिए भी सिग्नल लगा हुआ है, ग्रीन है, फटाफट क्रॉस कर लो। ये 50 किलोमीटर है बोले तो यहाँ तक तो लोग घूमने के लिए आते होंगे यार सेंट पीटर्सबर्ग से, यानी 100% इसको एकदम गांव छोटा सा है ऐसा भी नहीं बोल सकते, बट ठीक है, मेरे पास इतना ही समय था तो मैं इतना ही आ सकता हूँ। वाह ये देखो रुक गए भाई मेरे लिए, थैंक यू। ये बढ़िया जंगल भाई यहाँ पे, तो मतलब लोग छुट्टियाँ मनाने भी यहाँ पे आते होंगे बॉस। और ये आगे रास्ता जो है ये सीधा आगे एक सिटी है, सिटी का नाम है वाइबॉर्ग। ये वाइबॉर्ग यहाँ से और 100 किलोमीटर आगे है, 100 नहीं बल्कि 150 किलोमीटर आगे है, और वाइबॉर्ग से आगे थोड़ा जाएंगे 20-25 किलोमीटर तो फिनलैंड बॉर्डर लग जाती है, तो जहाँ से लोग कोशिश करते हैं यूरोप में जाने की, इसके लिए रशिया वाले इंडियंस को ज़रा अवॉइड करते हैं एंट्री, वो जो मैंने आपको मसला बताया ना इसका डिपोर्ट करने का वगैरह वगैरह। ये तो देखो बॉस, ये घर देखो, वेल ऑर्गेनाइज्ड, क्या चकाचक है सब कुछ, एकदम चकाचक, क्या नज़ारा है, क्या खूबसूरत है। जिस जगह पे जाने के मकसद से मैं यहाँ आया था वो मुझे सामने दिख रही है। ऐसा जब मिशन पूरा होता है ना भाई तो बहुत सुकून मिलता है, बहुत खुशी होती है, बहुत मज़ा आता है। वैसा ही इथियोपिया में जब मैं गया था अबुना यमाता, खैर वो तो एक अलग ही एडवेंचर था, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है एडवेंचर। इथियोपिया वाले एडवेंचर की वजह से आने के बाद में घर पे बहुत गालियाँ खाली पड़ी मुझे, क्योंकि रिस्की बहुत था ना, जान भी जा सकती थी अगर कुछ हादसा हो जाता था तो, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ये देखो बॉस, दिख रहा है क्या आपको, समुंदर दिख रहा है ना सामने, ये है गल्फ ऑफ फिनलैंड। बाल्टिक सी जो है ना, आप मैप्स में देखिएगा वो कि बाल्टिक सी कहाँ पे है, बाल्टिक सी का जो थोड़ा एरिया अंदर घुसा हुआ है फिनलैंड के साइड में और रशिया के साइड में, उसको कहते हैं गल्फ ऑफ फिनलैंड। गल्फ मालूम है ना, खाड़ी बोलते हैं हम लोग। क्या बात है, सोचा नहीं था लाइफ में कभी मैं यहाँ पे आऊँगा। अगर मैं यहाँ से इस समंदर में जंप करूँ तो स्विम करते हुए मैं पहुँचूँगा फिनलैंड, फिर वहाँ से आगे डेनमार्क, फिर वहाँ से आगे स्विम करते जाऊँगा तो इंग्लैंड, फिर वहाँ मैं पहुँच जाऊँगा एटलांटिक महासागर में, और एटलांटिक महासागर तो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, आराम से स्विम करते हुए चला जाऊँगा मैं तो अमेरिका या कनाडा भी पहुँच सकता हूँ। ये था आज का ख़राब वाला जोक। स्विमिंग का कोई इरादा नहीं है, स्विमिंग आता है मुझे लेकिन इतना भी नहीं आता कि यहाँ से अमेरिका निकल जाऊँ जान बचाने के लिए आता है, वो भी समंदर में कभी ट्राई नहीं किया। वाह ये देखो, जहाज के शेप में बनाया है होटल, इधर भी बढ़िया बढ़िया रिजॉर्ट्स है बॉस, मतलब ये ऐसा कुछ बहुत रिमोट जगह पे नहीं मैं आया हुआ, इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, इतने सारे लोग हैं। गल्फ ऑफ फिनलैंड, बाल्टिक सी का पार्ट, मैप्स में देखिएगा, मैं तो दिखाऊंगा खैर वीडियो जब आपके सामने आएगी तो। ओके भाई, दो बच्चे मिले थे उनको पूछा मैंने, यहाँ विलेज देखना है तो यहाँ से वो जो मैंने बताया था उस ट्रेन का आखिरी वाला स्टेशन ज़ेलानोगोर्स वहाँ जाइए, तो ये बस स्टॉप है यहाँ पे, ये बीच जहाँ मैं आया हूँ, और ये है बस स्टॉप। यहाँ से 211 नंबर की बस लेने के लिए बोला उस बंदे ने,
नो कार्ड, कैन यू टैप आई पे यू कैश, कैन यू टैप कार्ड आई पे यू कैश। भाई मैं उतर गया हूँ बस में से और फिर से वही हुआ, कार्ड नहीं था और ड्राइवर ने बड़ी ख़राब नज़र से मेरी तरफ देखा, एकदम घूसट नज़र से। मतलब उसकी नज़र ये कह रही थी कि अबे तेरे पास में कार्ड नहीं था तो चढ़ा क्यों बस में, अब क्या करूँ, चढ़ू नहीं तो दूसरा क्या है। तो बोला उतर जाओ कोई बात नहीं है। मैंने उसको बताया ये देखिए 50 रुपये का नोट निकाल के रखा था कि भाई ये 50 रुपये ले ले, कितने टिकट दे दे मेरे को। तो इशारे से मेरे को बोले उतर जाओ। बड़ा खड़ूस नज़र से देख रहा था मेरी तरफ कि तेरे पास में कार्ड नहीं है तो चढ़ा क्यों, चलो ठीक है कोई बात नहीं। लाइफ में पहली बार विदाउट टिकट सफ़र हो गया, वो भी रशिया में, क्या बात है। ये देखो ज़ेलेनोगोर्स्क एकदम गांव नहीं है, छोटा सा इसको टाउन कह सकते हैं। 15,000 का पॉपुलेशन है यहाँ का। हालांकि मैं ये प्लान से निकला था कि एकदम छोटे से गांव में जाऊँ, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, यहाँ तक आया ये भी क्या कम है। गाड़ियाँ वाड़ियाँ तो बहुत बढ़िया है, यहाँ पे काफ़ी सारी है, अच्छा खासा ट्रैफिक है। यहाँ से मैंने मैप्स में सर्च किया तो 15 मिनट चलते हुए मैं जाऊँगा तो मैं रेलवे स्टेशन पे पहुँच जाऊँगा। तो बस ये ऐसे ही इस टाउन को देखते हुए जाएंगे। ये क्या सुपर मार्केट भी है भाई यहाँ पे, फूल देखो बस क्या बढ़िया है, बहुत गजब, मेंटेन्ड मस्त। पॉपुलेशन कम होना तो बढ़िया मेंटेन होता है। ये बस में से अगर मैं नहीं भी उतरता था 211 में से तो ये डायरेक्टली रेलवे स्टेशन ही जा रही थी, लेकिन मुझे टाउन देखना था। ग्रीनरी यार, इतनी ग्रीनरी कैसी है ना, कमाल है सही में, इतनी ग्रीनरी। खैर यहाँ पे ये बहुत है ना, बस ठंड होती है ना, अभी तो यहाँ का क्या बोलते हैं समर चल रहा है, तो समर चल रहा है तो मैक्सिमम टेम्परेचर 24-25 के पास में है और रात में मिनिमम जा रहा है 14-15 के करीब में। अब विंटर में तो सवाल ही नहीं आता, पूरा यहाँ पे स्नो ही होगा, सवाल ही नहीं आता। ज़ीरो के नीचे मेरे ख्याल से 10-20 आराम से जाता होगा विंटर्स में। ये सामने एक बर्गर की दुकान दिख रही है, खास बोले तो इंग्लिश में लिखा है बिग बर्गर, हालांकि बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगी है। वाह बढ़िया है। तो ओके भाई, गूगल ट्रांसलेट का यूज करके एक छोटा वाला बर्गर, चिकन बर्गर और एक कोका कोला, इसका नाम अभी सैंक्शंस के बाद यहाँ पे हो गया एवरवेस, इसको ऑर्डर दे दिया है। 350 रुपये का बर्गर और 150 रुपये का कोका कोला। अब खा लिया अच्छा खासा तो खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बात हो गया ना। 2:15 की ट्रेन है, वो मिल जाएगी मुझे अभी, फटाफट खाना पड़ा, फटाफट जा रहा हूँ। ये देखिए ये ब्रिज, ये रेलवे ट्रैक है, इसके ऊपर ब्रिज के ऊपर। अब जैसा मैं जिस ट्रेन से आया वही सेम वाली ट्रेन है आने वाली, जाने वाली भी, तो फिर से कुछ रिकॉर्ड करूँगा नहीं। तो फिलहाल के लिए मैं करता हूँ आपको टाटा बाय बाय, नमस्ते, दुआ में याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना, लाइक भी करना, ये बोलना मैं हमेशा ही भूल जाता हूँ, आज याद आया तो बोल दिया। चलिए बाय बाय। Что остановилось мое сердце?